अगली खबर हांसी से। हांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ उमरा रोड पर दोनों तरफ से हुई। फायरिंग में तीन बदमाशों को पैर में गोली लगी। तीनों को हांसी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों बदमाश जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या में शामिल थे। बदमाशों की पहचान जींद के रहने वाले सचिन उर्फ मगतू, रोहतक के खरक जाटन निवासी योगेश उर्फ सुखा और भिवानी के पिजोखरा के रहने वाले विकास उर्फ काशी के रूप में हुई है। तो जेजेपी नेता अरविंद सैनी की हत्या का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर हांसी के पास उमरा रोड पर ये मुठभेड़ हुई है और तीन आरोपियों पर एसटीएफ की ओर से कार्रवाई की गई है। तो सचिन योगेश खरक जाटन निवासी और विकास पिंजोरा निवासी बताया जा रहा है। हांसी के पास उमरा रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। जेजेपी नेता की हत्या से जुड़ा यह पूरा मामला है, जिस पर यह बड़ा अपडेट सामने आया है। हांसी के पास उमरा रोड पर पुलिस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। तीनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर आरोपियों का इलाज चल रहा है। तो सचिन योगेश विकास तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हांसी के पास ये मुठभेड़ हुई। तीनों आरोपियों की एसटीएफ के साथ मुठभेड़ का ये मामला सामने आया है। तीनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है और तीनों को अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां पर आरोपियों का इलाज चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या के मामले पर यह बड़ा अपडेट आया है, जहां पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकार जी, यहां पर बताना चाहूंगा कि मतलब देर रात को लगभग 1 से 1.5 बजे की बात है, जो तीन आरोपी थे वो पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है। उमरा रोड ये पड़ता है और खेतों के बीच में ड्रेन है और उसके ड्रेन के पास ही ये जो मुठभेड़ हुई है, जिसमें मतलब तीन आरोपियों को जो ताइना पैर गए उसमें गोलियां लगी गए। टकने पर ये गोलियां तीनों को लगी गए, लेकिन इसमें अभी तक किसी का मतलब जो है मृत्यु नहीं हुई है। इनको रात को ही हांसी के नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद इनको जो वार्ड है, वार्ड में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया है। फिलहाल इनका उपचार चल रहा है। इनसे मिलने के लिए किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और मौके की बात करें तो अभी मौके पे खड़े हैं और मौके पे जो तफ्तीश चल रही है, सदर थाना के जो अधिकारी हैं, सदर थाना प्रभारी है, वो मौके पे गए। थोड़ी देर पहले यहाँ पे डीएसपी आए थे, शहर थाना प्रभारी जो जगजीत सिंह है वो भी आए थे, एसपी मकसूद अहमद भी मौके पर आए हैं। फोरेंसिक की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है। अभी किसी को भी घटनास्थल के आसपास में जाने नहीं दिया जा रहा है, सबको पीछे ही लगाया जा रहा है। जो वाहनों की आवाज आई है वो भी इस रोड से बंद कर दी गई है। भारी पुलिस बल फिलहाल जो मौके पर है। जी हाँ जी बिल्कुल। अनुराग, क्या एसटीएफ के किसी अधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है इस मुठभेड़ पर? कोई भी अधिकारी है उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। कोशिश की गई है बातचीत करने की, लेकिन उनका कहना है कि एसपी साहब ही अभी इसके बारे में कुछ बताएंगे। शायद हो सकता है दोपहर को एसपी साहब के साथ प्रेस वार्ता हो जाए, वो कुछ इस बारे में बोल सके। लेकिन फिलहाल अभी कहना कि अभी जो दो आरोपी और फरार है, कुल इसमें 10 आरोपी थे, जिनमें से 5 को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और 3 को रात ये जो मुठभेड़ हुई है इनमें गोलियां लगी हैं। 2 की तलाश है फिलहाल। उनका पुलिस का एक तो कहना ही है कि जब तक वो दोनों गिरफ्तार नहीं होते तब तक अभी कुछ नहीं कह पाएंगे। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से गुरेज कर रही है। जी रंजी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। तो वहीं रेवाड़ी में जननायक जनता पार्टी ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से